अशोक तंवर के आप साथ रहते थे, उनके राइट हैंड माने जाते थे, तो बदलाव क्यों आया? लोकसभा से चुनाव से ठीक पहले आप कूद गए बीजेपी में, बीजेपी में आने की वजह क्या कुलदीप बिश्नोई थे? एक परिवार का आदमपुर में एक तरह से कहें एक छत्र राज रहा, और जो आप बारी बारी अभी कुलदीप जी का नाम ले रहे हैं, कुलदीप जी 1998 में पहली बार आदमपुर से विधानसभा में चुने गए थे, और आज 2019 तक वो लगभग 21 सालों में किसी ना किसी रूप में आदमपुर का, चाहे वो MLA के रूप में चाहे MP के रूप में नेतृत्व करते रहे हैं। परंतु आप भी देखिए इतनी दुख की बात है, इतने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका विधानसभा में और लोकसभा में रिकॉर्ड जीरो है। परंतु दुखद स्थिति कि वो लोकसभा विधानसभा में ना जाकर विदेशों का दौरा करने में मशगूल रहते हैं। लोकतंत्र की असली स्थापना आदमपुर में अब होगी जब एक परिवार के शासन का 51 साल से जो चल रहा है उसका अंत होगा। और ये बात केवल एक पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते मैं कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर जो आएगा वो आदमपुर से 100% विजयी होकर जाएगा। जींद का जो उपचुनाव हुआ था उससे पहले तक आपकी स्थिति बड़ी कमजोर थी, आपकी स्थिति बोले तो आज आप जिस पार्टी में बीजेपी में, लेकिन ये आपने डी ग्रुप में पता नहीं क्या किया, उसमें जो बच्चे लगे उसका श्रेय आप ले गए, जींद में जीत गए, वहाँ से हवा बना लिया आपने। इसके अलावा कोई काम है गिनाने के लिए आपके पास? एक भी व्यक्ति ने सिफारिश से नौकरी लगाने की बात नहीं की। सर आप हिसार की राजनीति करते हैं, हिसार के चारों तरफ टोल हैं जी, अगर आपको किसी भी सड़क पे आप निकल गए तो आपको जेब आपकी ढीली हो जाएगी, आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इतने का आपका तेल नहीं लगता, इतने का टोल लगता है। आप सरकार क्या कर रही है? मैं यही तो बता रहा हूँ जी, मैं वही चीज़ कह रहा था कि आप कर प्रणाली के इतने विरोध में क्यों? विपक्ष ये कहता है कि मुख्यमंत्री घोषणाएं तो करते हैं, ये घोषणाओं की सरकार है, घोषणाएं बहुत होती हैं, अमल होता ही नहीं है, अधिकारी आपके काबू में नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। और आप, अब एग्जांपल आपको देता हूँ, हिसार एयरपोर्ट का ठीक एक साल पहले 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, बोले टैरिफ तक दे दिया, इतने पैसे में आपको दिल्ली लेके जाएगी फ्लाइट, इतने पैसे में चंडीगढ़ लेके जाएगी। एक साल से लोग वेट करते हैं, चक्कर काट के आ जाते हैं वहाँ से, आज तक ना तो जहाज उतरा ना वहाँ से चढ़ा। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ सर्वेश कुकरा। आज मेरे साथ हैं सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह मंडी आदमपुर से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, पार्टी की मेहरबानी अगर रही तो हो सकता है आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट पर। इनका इतिहास ये है कि पहले कांग्रेस में थे और पिछली दफ़ा यानी कि 2014 में एक कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़े थे। कुलदीप बिश्नोई उस वक्त हजका की टिकट पर इनके सामने थे, लेकिन इस वक्त स्थिति बदल गई है, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में स्विच कर गए थे और अब स्थिति ये हो सकती है कि कुलदीप बिश्नोई का मुकाबला सीधे सीधे सत्येंद्र सिंह से हो सकता है। सत्येंद्र जी सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार पोस्ट में। धन्यवाद सर्वेश जी, और विशेष तौर पे धन्यवाद इस बात का भी है आपका कि इतने थोड़े समय में एकमत पोस्ट ने जो हजारों की संख्या में अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर बनाए, तो इसका सारा श्रेय एज MD आपको जाता है। और एक जो निर्भीक और निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का आपने जो उदाहरण दिया, मुझे लगता है आसपास के लोगों को उससे सीखने की काफ़ी आवश्यकता है। चलिए, तारीफ आपने कर दी, आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस में आप सीधे सीधे संगठन में एक तरह से नंबर 2 पे थे, अशोक तंवर के आप साथ रहते थे, उनके राइट हैंड माने जाते थे, तो बदलाव क्यों आया? लोकसभा से चुनाव से ठीक पहले आप कूद गए बीजेपी में। परिवर्तनशीलता इस संसार का एक नियम है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जहां तक आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं और मेरा भारतीय जनता पार्टी में, इसका जीता जागता उदाहरण पिछले 5 सालों में केंद्र में और हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शासन और प्रशासन को चलाने का काम किया, आज 300 पार सीटें देकर पूरे हिंदुस्तान ने उस पर मोहर लगाई, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हो, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की नीतियाँ हो, और एक कुशल प्रशासन, गुड गवर्नेंस जिसे हम कह सकते हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी को लोग एक पार्टी विद अ डिफरेंस कहते थे, उन्होंने जिस तरीके से एक डिफरेंट तरीके से राज करके चलाया, वो कहीं ना कहीं वही एक बड़ी वजह रही। सर्वे जी, सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा था कि बीजेपी में आने की वजह क्या कुलदीप बिश्नोई थे? आपको लगता था कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में है और आप भी कांग्रेस में हैं, क्योंकि आप इतने साल से मेहनत कर रहे थे, 5 साल से, आपको लगता था कि स्थिति मजबूत हो सकती है, तो आपको ये बेहतर प्लेटफॉर्म लगा इसलिए आप स्विच कर गए? देखिए सर्वे जी, पहले तो मैं आपका इस बात पे भी धन्यवाद करूँगा, और आप इसको हो सकता है कि आप कहें कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, परंतु ये कहीं ना कहीं एक सत्य है कि आपने इस चीज़ को माना कि पिछले 5 साल से मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम करने का काम किया। देखिए, एक हमारे चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी थे या जितने भी स्वाधीनता संग्राम जिन्होंने लड़ा, उन्होंने संविधान की रचना करी और संविधान में लोकतंत्र को सबसे मजबूत और बलशाली माना गया,
लोकतंत्र वो है जहाँ पर लोगों की सुनवाई होनी चाहिए और लोगों के लिए काम करना। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो राजनीति करता है उसका पहला जो ध्येय है वो कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए काम करना है। मैंने निसंदेह मैंने लंबा समय कांग्रेस में संगठन के ऊपर बिताया और संगठन के अलग अलग पदों पर मैंने काम किया और उसी संगठन में मेरे कार्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने और जो जबकि अध्यक्ष थे हमारे अशोक तंवर जी ने टिकट के रूप में मुझे एक नेतृत्व देने का काम किया। परिस्थितियां रही, हम वो चुनाव हार गए। बेहतर बात ये नहीं है कि हम चुनाव जीते हैं। अशोक तंवर ने जिक्र किया, अशोक तंवर ने आपके लिए बहुत कुछ किया। अशोक तंवर ने आपके लिए आदमपुर में रैली की, कुलदीप बिश्नोई को सीधे सीधे चुनौती थी पार्टी में रहते हुए, लेकिन आपने एक झटके में कांग्रेस छोड़ दी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अशोक तंवर जी ने भी एक पार्टी के सिपाही के रूप में काम किया, मुक्त समय भी अलग अलग मंचों पर ये कहते रहे थे और मैंने भी एक पार्टी के सिपाही के रूप में। संगठन हमेशा बड़ा होता है व्यक्ति से। आप कहीं भी किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, आज जो संगठन है, जो संगठन से अपने आप को बड़ा मानता है, उन लोगों की मुझे नहीं लगता कहीं लोकतंत्र में कोई पूछ होती है और उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। पोर्टफोलियो आपका निसंदेह बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कांग्रेस की टिकट पर लड़े और ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हुए जाके, जिसका गढ़ था, ये माना जाता था कि भजनलाल परिवार यहाँ पे काबिज होता आ रहा है, होता रहेगा, ऐसा भी कुछ कहा गया। लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी उठाते रहे थे कि क्या ये सिक्का कभी बंद होगा, हमने भी कई बार उठाए थे कई मंचों पर सवाल, लेकिन स्थिति अब बदल गई। अब फिर से आप, मुझे लगता है कि आमने सामने आप हो सकते हैं, हालांकि ये पार्टी ने डिसाइड करना है आपको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। कुलदीप खेमा भी ये मान के चल रहा है कि उनका मुकाबला सतेंद्र सिंह से हो सकता है। पहली बात तो ये कि सतेंद्र सिंह बीजेपी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए नई पार्टी है। देखिए मैंने आपको बताया मेरी सर्वेदिया 42 साल उम्र है और मैंने 42 साल की उम्र में लगभग 24-25 साल मैंने संगठन में काम किया। तो जब आप संगठन में काम करने का आपके पास इतना लंबा तजुर्बा हो तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं असुविधा होगी। दूसरी चीज़, मैंने हमेशा लोगों के हित की लड़ाई लड़ी। जब आदमपुर विधानसभा से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला एक पार्टी के उस प्लेटफॉर्म से, मैंने चाहे वो पानी की लड़ाई हो, आज कहते हुए तकलीफ होती है, परंतु एक लंबे समय से एक पार्टी का यहाँ पर एक व्यक्ति, एक पार्टी का नहीं एक परिवार का, आदमपुर में एक तरह से कहें एक छत्र राज रहा है। और जो आप बारी बारी अभी कुलदीप जी का नाम ले रहे हैं, कुलदीप जी 1998 में पहली बार आदमपुर से विधानसभा में चुने गए थे और आज 2019 तक वो लगभग 21 सालों में किसी ना किसी रूप में आदमपुर का, चाहे वो MLA के रूप में चाहे MP के रूप में नेतृत्व करते रहे हैं। परंतु आप भी देखिए कि इतनी दुख की बात है, इतने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने के बजाय उनका विधानसभा में और लोकसभा में रिकॉर्ड 0 है। पिछले दिनों हमारे, मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सीसवाड़, सदलपुर और बालसमंद में आए थे। उन्होंने उस समय भी आंकड़ा रखा था कि विधानसभा में कुलदीप जी की हाजिरी मतलब एवरेज छोड़िए 20% से कम है, जो कि एक चिंता का विषय है। एक व्यक्ति जिसको कि 1.5 लाख लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया और वो व्यक्ति केवल विधानसभा में, हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल में जाएंगे, किसान से उम्मीद करते हैं वो खेत में जाएगा, अन्न का उत्पादन करेगा, व्यापारी से उम्मीद करते हैं कि वो व्यापार को अच्छे से चलाकर देश के लिए कहीं ना कहीं कर व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगा। इसी तरीके से विधानसभा और लोकसभा में जो लोग चुनकर भेजे जाते हैं लोगों के द्वारा, हम उनसे अपितु हमारी अपेक्षा नहीं, हमारी कहीं ना कहीं पुरजोर उम्मीद भी होती है कि वो हमारे मुद्दों को उठाने का लोकसभा और विधानसभा में जो एक प्लेटफॉर्म पर उनको भेजने का काम किया वहाँ करेंगे। परंतु दुखद स्थिति कि वो लोकसभा विधानसभा में ना जाकर विदेशों का दौरा करने में मशगूल रहते हैं। इस बात का तो जनता ने सीधा सीधा उनको जवाब दे दिया। लोकसभा चुनाव में शायद ये पहली मर्तबा हुआ है जब उनका कैंडिडेट, उनके परिवार का कोई नुमाइंदा वहाँ से हार के निकला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा की जो हार थी, क्या ये रिपीट हो सकती है विधानसभा चुनाव में, जबकि हो सकता है उन्हें एक चांस मिल गया खुद को सुधरने का? देखिए पिछले दिनों पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दिया सभी लोकसभा के चुने हुए नुमाइंदों को कि आप अपने विधानसभा वाइज जाइए और धन्यवाद करके आइए कि लोगों ने आपको इतना बड़ा जो मैंडेट प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया। तो हमारे हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी मंडी आदमपुर आए थे और उन्होंने धन्यवाद किया सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और सामान्य जन जागरण का। और उन्होंने एक बात कही थी कि ऐतिहासिक नतीजा दिया आदमपुर के लोगों ने, परंतु इतिहास रचना भी बाकी है और इतिहास, अब विधानसभा चुनाव जो आने वाले 2 महीने में होने वाले हैं उसमें आदमपुर के लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। लोकतंत्र की असली स्थापना आदमपुर में अब होगी जब एक परिवार के शासन का 51 साल से जो चल रहा है उसका अंत होगा। और ये बात
केवल एक पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते मैं कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर जो आएगा वो आदमपुर से 100% विजयी होकर जाएगा। आदमपुर में पानी की बड़ी किल्लत है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ टेल पर पानी नहीं आता है। तो 5 साल से तो आपकी सरकार थी प्रदेश में, केंद्र में थी, तो कहाँ गया पानी? क्यों नहीं सरकार थी, मैं बताता हूँ आपको। पानी की स्थिति पर बात करिए, बुढ़ा गांव ने पिछली बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, कांग्रेस का 10 साल का शासन था और मैं जब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बनकर गया तो वहाँ पर मुझे देख के बड़ा अचरज हुआ कि लोगों ने चुनाव का, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया वोट डालने का, उसका बहिष्कार करने का काम लोगों ने किया। ये स्थिति दयनीय थी और आज वही बुढ़ा गांव, मैं आपसे निवेदन करूँगा बुढ़ा गांव में जाइए, आप टेल पर पानी देख के आइए, वहाँ पर नरमे की फसल देखिए, अब वहाँ पर गेहूँ की फसल देखिए, इस सरकार ने वहाँ पर टेल पर पानी पहुँचाने का काम किया। आपकी SYL की वही की वही है। देखिए सर्वे जी, SYL का मामला तो आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, SYL का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बहुत जल्द उसके ऊपर सरकार ने भी अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है और इसको सॉर्ट आउट करने का काम भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ही SYL को कहीं ना कहीं सुलझाने का काम किए जो इतने लंबे समय तक। ठीक है, चुनाव आ गया तो आप ये कहेंगे आपका बनता भी है, हर पार्टी इसी बात को लेकर वो ये श्रेय लेना चाहती है कि ठीक है हम कर रहे हैं, हम ही करेंगे, और तमाम सरकारें बदल गई एक के बाद एक आई, बंसीलाल को भी लोगों ने देखा, भजनलाल को भी देखा, चौटाला साहब को भी देखा, अभी ना खट्टर साहब को भी देख लिया, SYL का पानी नहीं आया। सरकारें केंद्र में बदली, हरियाणा में बदली, पंजाब में बदली, लेकिन सबकी स्टेटमेंट्स तो बदली, पानी नहीं आया। चलिए CM साहब की बात करते हैं, आपने मुख्यमंत्री की बात की अभी, जींद का जो उपचुनाव हुआ था उससे पहले तक आपकी स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, आपकी स्थिति बोले तो आज आप जिस पार्टी में, BJP में, लेकिन ये आपने डी ग्रुप में पता नहीं क्या किया, उसमें जो बच्चे बच्चे लगे उसका श्रेय आप ले गए, जींद में जीत गए, वहाँ से हवा बना लिया आपने, इसके अलावा कोई काम है गिनाने के लिए आपके पास? सर्वे जी देखिए, आपकी मैंने पहले ही तारीफ की थी, आप बड़े निर्भीक और निडर पत्रकार हैं, आप जो शब्दों का खेल खेलते हैं, मैं एक साधारण सा किसान का बेटा हूँ और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ, मैं इतने शब्दों में तो मैं आपसे नहीं जीत पाऊँगा, परंतु आपने कहा कि शब्दों की बात ही नहीं है, काम की आपने कहा कि डी ग्रुप, तो ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि डी ग्रुप के अंदर आज मैं लोकसभा चुनावों के बाद मेरे आदमपुर हलके के लगभग 16-17 गाँवों में डोर टू डोर जाकर श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी को MP बनाने का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीट जिताने के लिए तथा मोदी जी को प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में लाने के लिए डोर टू डोर जाकर व्यक्ति विशेष हर व्यक्ति का मैं धन्यवाद करते घूम रहा हूँ। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 16-17 गाँव में जाके मुझे लगता है कि अमूमन मैंने 40,000 से 45,000 वोटरों को कवर करने का काम किया, एक भी व्यक्ति ने सिफारिश से नौकरी लगाने की बात नहीं करी, चाहे वो ग्रेजुएट था, चाहे वो अनपढ़ था, चाहे वो किसान मजदूर था, चाहे वो साधारण मजदूर था, आज एक व्यक्ति के हर युवा के मन में, हर किसान के मन में, हर पिछड़े के मन में, हर दलित के मन में एक भावना घर कर गई है कि मेरिट जो पहले पर्चे से और खर्चे से मिलती थी आज किसी ना किसी रूप में केवल और केवल मेरिट पे मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं बदलते हरियाणा के सबसे बड़ा स्वरूप है जिसका सारा श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। ये बात से मैं आपकी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आप वाकई आपके दौरे तो रहते हैं हल्के में, मैंने भी कई बार टिकट करने की कोशिश की तो आपका पता लगा मुझे कि आज फला गांव में, आज फला गांव में है, लेकिन आज कई लोग ये भी कहते हैं कि जरूरत नहीं है घूमने की, वो कहते हैं ड्राइंग रूम की राजनीति करो, कई लोग करते भी हैं और आपके हल्के में तो प्रचलन रहा है, देखिए तो आप क्यों पसीना बहा रहे हैं, क्या जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए मैं तो आपको बताया, मैं किसान का एक बेटा हूँ और पसीना बहाकर धरती का सीना चीर कर अन्न उपमान अन्न को उगाने की हमारी परंपरा रही है जिससे कि सारे विश्व का पेट भरने का काम करते हैं, एक बड़ी सीधी सी चीज़ है, कहीं ना कहीं एक साधारण शब्दों में मैं कहूँ वोट मांगने से मिलती है। जिन लोगों को ये भ्रम हो गया था कि वोट बिना मांगे मिलेगी और वोट पर उनका एकाधिकार है, उनको आईना दिखाने का काम आदमपुर हल्के के लोगों ने लोकसभा चुनाव में किया। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी मैं सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, 128% कार्य हमारी लोकसभा ने इस समय किया है, 128%, 18 साल में पहली बार हुआ है जब लोकसभा रात को 12-12 बजे तक चली है। ये काम होता है लोकसभा में चुने हुए नुमाइंदों का, ये काम होता है देश के प्रधानमंत्री का कि वो कहीं ना कहीं देश को एक अच्छी डगर पर जब लेके जा पाएंगे, जब वो 100% की बजाय 128% लोग काम तो ये भी कहते हैं कि आपका टेरर रहता है पार्लियामेंट में, आप डराते हैं, अभी ओवैसी ने कहा कि ये तो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अमित शाह के बारे में। देखिए बड़ा कई बार बड़ा हंसी भी आती है
कि लाखों लोगों के नुमाइंदे जो चुन के वहाँ जाते हैं, और लोकसभा जो कि एक लोकतंत्र का मंदिर है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें अगर लोग कहें कि उनको कोई डराने का काम करता है तो ये तो हास्यास्पद है सर्वे जी। कहा जाता था कि बीजेपी इज़ अ पार्टी विद अ डिफरेंस, लेकिन अब क्या है, अब आपकी पार्टी में 70% जो है वो जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस, ये सब तो है ना, बीजेपी कहाँ है? सर्वे जी, ये 70% का आंकड़ा कहाँ से लेके आए आप? अपना प्रतिशत आपने बता दीजिए। देखिए कम ज़्यादा कर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं पहली चीज़ तो आपके इस 70% के आंकड़े से सहमत नहीं हूँ। ये आंकड़ा 70% बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल और केवल लोगों की उड़ाई हुई बात है। परंतु आपकी बात का मैं भावार्थ और शब्दार्थों में अगर मैं आपकी बात पे जाना चाहूँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी विद अ डिफरेंस है। मैंने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में नहीं थी पार्टी विद अ डिफरेंस थी, नाउ वी हैव प्रूव्ड टू बी अ गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस। हमने प्रशासन एक अलग तरीके से देने का काम किया, हमने एक आम आदमी का, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा एक हरियाणा एक हरियाणवी, कहीं ना कहीं हमने पूरे प्रदेश को, और इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और आप ये चीज़ से कभी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप यहाँ पर आज हो सकता है आप किसी और पार्टी में, परंतु जब आपको लगता है कि इस जगह रहकर मैं बेहतर काम नहीं कर पा रहा हूँ तो दूसरी पार्टी में आते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं इसको लोकतंत्र की खूबसूरती मानता हूँ। पहले गलत होता था, जहाँ पर लोग चुने किसी और दल के माध्यम से जाते थे और वो रातों रात होल स्टेट या किसी भी गलत माध्यम से स्विंग करके एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते थे, आया राम गया राम की राजनीति, उस राजनीति को लोकतंत्र में पार्लियामेंट ने बंद करने का काम किया, कानून बनाया गया, उस तरह की चीज़ें आज नहीं है। परंतु आज किसी को लगता है, अब प्राइवेट कंपनियों में देखिए, आज जितने गर्व भी होता है, मैं ये कहते हुए, हम आज देश के सबसे, विश्व में सबसे ज़्यादा इंजीनियर, सबसे ज़्यादा डॉक्टर अगर हम बना रहे हैं, चाहे टेक्नोक्रेट्स हों, आज हिंदुस्तान दे रहा है, आज 10 बड़ी कंपनियों के जो CEO हैं वो हिंदुस्तान ने दिए हैं। तो उनको भी जब लगता है, हम उनसे तो कभी सवाल नहीं करते, चाहे वो गूगल का CEO अगर फेसबुक में जाना चाहे, हम तो कभी नहीं कहते आप क्यों चले गए। अगर हमें लगता है बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप भी, मुझे लगता है जब से आपने एकमत किया है तो कहीं ना कहीं आपको एक आत्मसंतुष्टि जरूर मिलती होगी। शुरू में आप बहुत एक इलाके के प्रख्यात और प्रमुख पत्रकार रहे हैं, और जब आप वहाँ पर काम करते थे और आज आप यहाँ पर काम करते हैं, तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन एक शब्द है, जहाँ पर लगता है मुझे कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि जहाँ वो बेहतर काम कर सके वहाँ जाके बेहतर काम। बार बार मुकाबले की बात करती है, हमारा, हम ये कर देंगे वो, मुकाबला आपका रहा नहीं ना, आपने सभी लोगों को खींच लिया। अभी हिसार की बात करें, आप हिसार की जो 7 सीटें हैं, अब आपने हर हल्के से लोगों को अपने अंदर ले लिया, तो आप तो फिर जो है फ्री हो गए, अभी अब मुकाबला किससे रहेगा आपका? देखिए जी, वैसे तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मुकाबला बहुत ज़रूरी है, और हमने किसी को लिया नहीं, या मैं भी कहूँ हमने लेने का काम नहीं किया। लोगों ने एक अच्छी सरकार देखी, एक अच्छा कार्यकलाप देखा, और जन भावना को देखते हुए छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। नलवा से रणबीर गंगवा थे, सांसद भी रहे, विधायक थे, बीजेपी में आ गए। आदमपुर से कुलदीप के सामने आप खड़े होते थे, आप बीजेपी में स्विच कर गए, आपको पार्टी ने लिया या आप पार्टी में गए, वन एंड द सेम थिंग। उधर हांसी में बात करें तो विनोद बैना कांग्रेस में थे, वो आपकी पार्टी में आ गए। बरवाला में एक नेताजी थे, वो जाने की तैयारी में है। तो इस तरह आपने कोई एरिया छोड़ा है क्या जहाँ पर आपने नहीं लिया? सभी को तो संभाल लिया, इसमें मुकाबला कहाँ रहेगा? तो आप तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे, तो इसमें आपका किया हुआ क्या है? देखिए, अब अगर मैं आपकी बात को मानूं, तो आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में 90 हलकों में क्या कैंडिडेट नहीं उतारेगी? विधानसभा के प्रत्याशी तो कांग्रेस के भी रहेंगे। पिछले दिनों कहते थे 75 सीटें आएंगी, वो सीटें तो जब आएंगे और तेल के दाम 75 पे चलेंगे, लोग कहते हैं। अभी वो 85 कहने लगे, तो अब लोगों में शक हो रहा है कि ये किस चीज़ का रेट बनेगा, अभी 85 जो आएगा, ये तेल 85 में तो नहीं जाएगा। देखिए, बड़ी साधारण सी बात है, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती है कि मैकडोनल्ड का बर्गर 110 रुपये में लेने में किसी व्यक्ति को एतराज नहीं होता, मल्टीप्लेक्स में 100 रुपये का पॉपकॉर्न खाने में किसी को एतराज नहीं होता, परंतु जिस तरीके से देश की इकोनॉमी को, और देखिए तेल हम घर नहीं पैदा कर रहे हैं, तेल घर नहीं पैदा कर रहे हैं, तेल हमें कहीं ना कहीं आयात करना पड़ रहा है। आप घर पैदा नहीं कर रहे हैं, आयात जब कर रहे कांग्रेस की सरकार थी, तेल आयात, देखिए सर, जब सर कांग्रेस की सरकारें थी तो 1 रुपया जब बढ़ता था तो आप चिल्लाते थे, 50 रुपये में पुतले फूकते थे। आप इतने बेहतर पत्रकार हैं,
परंतु अगर आप सवाल करके मुझसे जवाब की अपेक्षा भी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये भी नहीं, मेरे जवाब साथ लेने के लिए हूँ आज मैं आपके पास जवाब लेने के लिए हूँ। देखिए मैं आपको बड़ा सपस्या बता रहा हूँ, आप देखिए इस चीज को समझने का प्रयास। आज रोज रेट आपने तेल का, अभी आपने मुद्दा शुरू किया कि दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, मैं उसका जवाब देने वाला, मैं साधारण किसान का बेटा हूँ जो उलझ जाऊँगा आपके सवालों में, कहीं ना कहीं मैं इतना सदा हुआ राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ जो तो, साधारण आप कह सकते हैं, लेकिन जो आदमी राहुल गांधी के साथ में मंत्रणा करता हो, जो कमलनाथ को राय देके आता हो, वो उस व्यक्ति को मैं साधारण नहीं मानता। मैं, आप ये जो है ना, आप हल्के में ये बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आपकी काबिलियत का, वो अलग चीज़ें हैं। देखिए मैं पेट्रोल डीजल की जो हम बात कर रहे थे, और अभी भी आज ये देखिए कि सब्सिडी जो एलपीजी का मामला था, क्योंकि मैं एलपीजी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ एलपीजी की एजेंसियों का, तो मैंने देखा है पिछले 5 साल में ट्रेमेंडियस चेंजेस आ रहे हैं। अभी मुझे मौका मिला और उसमें मुझे कई बार गर्व भी होता है, फख्र भी होता है कि एक साधारण गांव से निकला हुआ मैं, पिछले दिनों मैंने यूएसए में ह्यूस्टन में हमारी वर्ल्ड एलपीजी कॉन्फ्रेंस थी, मैंने वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, और जब वो वहाँ पर मैं वर्ल्ड एलपीजी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया तो वापस आने के बाद हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्रालय में हमारी मीटिंग हुई कि हम क्या सीख के आए, उनसे बातचीत हुई, तो एलपीजी को लेके एक बहुत बड़ी, आप थोड़े समय में देखेंगे, आप देखिए आज हिसार में पाइपलाइन की बात आ गई है, एलपीजी पाइपलाइन से आ रही है हिसार में, रोहतक में एलपीजी पाइपलाइन से आ रही है, ट्रेमेंडियस चेंजेस है। और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि अगर हम सुविधा की बात करते हैं, आज हरियाणा मैं कहता हूँ पहला या एकमात्र तो नहीं कह सकता, परंतु कैरोसिन फ्री मुक्त हरियाणा है। आज कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे एलपीजी की पहुँच नहीं हो पाई है। आज हाइब्रिड गाड़ियों के लिए टैक्स फ्री कितनी छूट है। आप क्यों आप कहते हैं कि हमने डीजल और पेट्रोल की गाड़ी चलानी, आप हाइब्रिड गाड़ियां चलाइए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलाइए, टैक्स फ्री गाड़ियां, सड़कें बनवा दी, लोग चला लेंगे, सड़कें नहीं है, आप सड़कें इन गाड़ियों के लिए भी नहीं है, उनके लिए तो वैसे भी नहीं है। आज आज सड़कों में जो और जो दो चार सड़कें आपकी हैं उनसे आप टोल इतना वसूल करते हो कि लोग उस पर प्रतिदिन प्रतिदिन यूपीए का जो शासन था 10 साल में, उसमें जो सड़कें बनती थी वो 3.1 किलोमीटर बनती थी प्रतिदिन, आज हम 7.2 किलोमीटर सड़कें बना सर, रहे वो टोल रोड आज वो सड़कें बना वो रहे हैं, लोगों की जेब पे डाका डल रहा है, दूसरी से तंग आप, आप जहां पर आप टोल रोड की बात करते हैं, टोल रोड एक व्यवस्था है और ये आज केवल हिंदुस्तान में नहीं है। देखिए जब हमें बात करनी हो जब तो हम अमेरिका से तुलना करते हैं, हमारी हमने बात करनी हो हम इंग्लैंड से तुलना करते हैं, परंतु जब कर देने की बात होती है तो उनकी कर प्रणाली को क्यों नहीं कहीं ना कहीं। सर आप हिसार की राजनीति करते हैं, हिसार के चारों तरफ टोल हैं जी, अगर आपको किसी भी सड़क पे आप निकल गए तो आपको जेब आपकी ढीली हो जाएगी, आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इतने का आपका तेल नहीं लगता, इतने का टोल लगता है, आप सरकार क्या कर रही है। मैं यही तो बता रहा हूँ ना जी, मैं वही चीज़ कह रहा था कि आप कर प्रणाली के इतने विरोध में क्यों हैं। आज साधारण व्यक्ति कहता है आप कर प्रणाली का विरोध नहीं है, लोगों की इनकम का रेशियो है, इनकम कम है खर्चे ज्यादा है। सेवंथ पे कमीशन लागू किया गया है, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भी पिछले एरियर देने का काम किया। आप ये देखिए ना जिस तरीके से लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में जो ग्रोथ हुई है, चाहे आप हैप्पी इंडेक्स देख लीजिए WHO द्वारा जारी किया गया, आप किसी भी चीज़ में करिए, आप उस तुलना में अगर खर्चा करने की बात नहीं करेंगे तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं। आप देखिए 5 स्टार फैसिलिटी चाहते हैं और वो कहते हैं कि ढाबे के रेट पे आपको 5 स्टार फैसिलिटी कैसे मिले। आप तुलना करते हैं जी सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है प्राइवेट में है, आप ये नहीं देखते कि सरकारी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको केवल और केवल डॉक्टर से शकल देखने के लिए आपको 200 से 500 रुपये तक के बीच में फीस देनी पड़ती है। क्योंकि हम ये नहीं पढ़ते प्रीएम्बल में हमने क्या लिखा, वी आर ए सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक, हम उसमें तो नहीं जाते हैं, वी आर ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, हम उसमें नहीं जाते हैं, परंतु कर देने के मामले में हमें समाजवाद याद आ जाता है, तभी ये समाजवाद की बात करो। अच्छा बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, आपको लगता है किसी पॉइंट पे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? लगता है आप बताओ कोई मुद्दा बताओ। हम लोगों से पूछते हो तो कहते हैं नहीं जी पहले से बढ़ गया। तहसील में आप जाइए रजिस्ट्री के वही अब ऑनलाइन है रजिस्ट्री, आप ऑनलाइन अपने घर देखिए जब एक बड़ा पुराना एक था कि आप जितना ऑनलाइन सिस्टम करते जाएंगे आप करप्शन से दूर होते जाएंगे। आज हर गांव में केंद्र खुले हैं जिन पे चाहे डोमिसाइल लेने की बात हो चाहे राशन कार्ड बनाने की बात हो आपको दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई को कहा कि वो आते नहीं है, बैठते नहीं है, मिलते नहीं, जुलते नहीं है, लोगों ने समझा दिया और जो वोट दिया हार गए तो उनको और अच्छी तरह समझ में आ गया कि हाँ अब मिलना जुलना शुरू कर दिया है तो लोग वोट दे देंगे दोबारा, आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि हमने 70 साल में लोकतंत्र परिपक्व हुआ है,
70 साल में लोगों को वोट की ताकत का एहसास हुआ है, जो जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, आप भी समझते हैं सर्वे जी, आप बिल्कुल युवा हैं, परंतु जिस समय आप युवा अवस्था में आए थे 20 साल की और आज आपकी उम्र 40 के आसपास लगती है, तो आप लगता नहीं आपको कि आपकी सोच कुछ ना कुछ मैच्योर हुई है, आपकी सोच कहीं ना कहीं और बेहतर हुई है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करने लगे हैं? इसी तरीके से लोकतंत्र भी हमारा मैच्योर हुआ है। आज लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, वो ये मैंडेट यही था कि आप काम करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। इसी तरीके से आदमपुर में लगभग 24,000 मतदाताओं ने एक नया मैंडेट दिया है, वो मैंडेट काम करने के लिए था। देखिए, आपने कहा मिलने जुलने की बात, जनता बह जाती है, आपकी बात ही पूरा, मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर हम ये माने कि केवल और केवल लोगों से मिलने से, तो ब्रजेंद्र सिंह जी तो बिल्कुल नए थे, वो तो आदमपुर में मिले भी नहीं थे किसी से, तो वो क्यों जीत गए? यही फर्क है। आज अमेरिका के एक, मैंने अभी अखबार में पढ़ा, हमारे विधायक जी का बयान था, आदमपुर के विधायक जी का बयान था कि आदमपुर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैंने एक हमारे, मैं उस समय शायद चूड़ी कला गाँव में था, तो किसी ने मुझे बताया, बोला जी वो बयान दिए है जी, देसी भाषा में आप समझते हो, बोला जी ये बयान दिया है। तो वहीं एक आदमी बैठा था, नौजवान लड़का 21-22 साल का, तो वो तुरंत बात पूरी होते ही बोल पड़ा, बोला जी एक महीना बाद विदेश में आया हैं, आंधे आदमपुर की याद आ गई, चुनाव होना रहा है, मतलब चुनाव नज़दीक है। तो ये टैग लाइन मैंने मेरे सोशल मीडिया पर भी यूज़ की। देखिए, आप सोचते हो, आप सोचते हो, जनता का भी बैग नहीं, नहीं वो इमोशनल कार्ड खेलेंगे, नहीं 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 21 साल से लोग आपको देख रहे हैं कि 21 साल से आप क्या कर रहे हैं, 21 साल से लोगों ने आपको देखा है। आज आप सोचते हो 21 दिन उनको बेवकूफ बना दोगे, आदमपुर की जनता ऐसी नहीं है। आज लोकतंत्र में जो बदलाव है वो इसीलिए है कि लोगों ने सोचने का, समझने का और बेहतर विकल्प, आज के दिन सबसे बड़ी चीज़ जो है विकल्प को जो है उसको बड़ा पुरजोर तरीके से देखा जाता है। लंबे समय से विकल्प की एक बहुत बड़ी कमी थी आदमपुर क्षेत्र में। बात केवल और सुख दुख की नहीं है, बातें तो और भी, परंतु मैं इसको व्यक्तिगत नहीं मुद्दों पे नहीं जाना चाहता, नहीं तो आप भी पता है लोगों ने माइक फेंक दिए, लोगों ने अपने परिवार को लेकर ही बड़ी अपशब्दों का प्रयोग, उसमें तो वो खुद ही कट करे में आगे हाँ, खिलाफत उन्हीं की हाँ, तो वो उन चीज़ों में ये कहीं ना आपकी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन झलकता है इन चीज़ों से। उसके बाद भी उन्होंने कहा, और कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं तो राजनीति नहीं करना चाहता, मुझे ज़बरदस्ती राजनीति में छोड़ दिया गया, झोंक दिया गया, तो मुझे लगता है लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे। और एक लोकतंत्र में एक व्यक्ति का काम क्या होता है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाए, चाहे वो सरकार की नीतियाँ हों, चाहे विपक्ष का कोई भ्रम का जाल हो जो विपक्ष फैलाने का काम करता है, इस तरह की चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। 1,60,000 मतदाता हैं, 1,60,000 मतदाता हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, उनको पता है कि उनका बेहतर कहाँ है। जाहिर सी बात है, 2014 में आपने चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पे, वो भी सीधा सीधा कुलदीप के खिलाफ, अब आपकी तैयारी है, तो इतना वक्त आपको मिला आदमपुर में, आप तब से काम कर रहे हैं, तो विज़न आपका आदमपुर को लेके, दो तीन चीज़ें आपके दिमाग में जो जहन में हो कि ठीक है मैं, आप सरकार फेवरेबल भी आ जाएगी, क्योंकि अब तो वो विधायक हैं, सरकार किसी और पार्टी की है, तो लोगों को लगता भी है, उनके लिए भी एक्सक्यूज़ होता है कि हम किसी दूसरी पार्टी से थे, विपक्ष में थे, सरकार बीजेपी की है तो काम नहीं करवा सकते ऑब्वियसली। अगर सरकार आपकी आती है और आप चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, फेवरेबल चीज़ें रहती हैं, तो दो तीन विज़न क्या हैं आपके, आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ हैं आदमपुर को लेकर? देखिए जी, सबसे बड़ी इच्छा शक्ति होती है, आप काम करना चाहें, इच्छा शक्ति को लेकर आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह तो यही है जी, देखिए जी, कि कहीं ना कहीं सिंचाई के जो पानी की व्यवस्था है उसको और बेहतर हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, टिब्बे की ज़मीनें हैं, उस पर किस तरीके से बेहतर विकल्प आ सकता है, चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन है, चाहे वो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, उसके ऊपर हमारा मेन एम्फेसाइज रहेगा, हमारा कहीं ना कहीं ये एम्फेसाइज रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा कि हम भी इलाके में, आज नरमा है और गेहूं है, हम भी चाहेंगे कि हम भी जीरी की फसल लेके देखें कि कैसी होती है, क्या होता है, जीरी की फसल कैसे उगाई जाती है, तो उसके ऊपर एक मेन एम्फेसाइज रहेगा। दूसरा, हमारे इलाके में इंडस्ट्रियल
सेक्टर की बहुत बड़ी कमी है। हमारी ग्वार का जो है हम एक बहुत बड़े उत्पादक रहे हैं, नरमा का हमारी बेल्ट बहुत बड़ी उत्पादक रही है, तो उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को हम लेके आने का काम कर सकते हैं। हमने पीछे भी प्रयास किए थे क्योंकि बहुत सी ज़मीनें हमारी जैसे है, मैं बताया जैसे बाड़समंद इलाके में जो राजस्थान से बिल्कुल सटी हुई ज़मीन है, जो इरिगेशन के लायक नहीं है, टिब्बों की धरती जिसको हम कह सकते हैं वहाँ, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास रहेगा कोई इस तरह का कोई बढ़िया कोई कारखाना, बड़ा कारखाना आ पाए जिसको जिसमें कि पढ़े लिखे टेक्निकल रोज़गार युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, जो नॉन स्किल्ड लेबर है उनको भी कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प मिल पाए। पिछले दिनों एक मुद्दा आया था जहाँ पर विपक्षियों ने बहुत प्रचार करने का काम किया, हमारे ही विधानसभा हल्के का था आदमपुर का, 5 गांवों को लेकर नोटिस देने की बातचीत थी, परंतु एक सरकारी प्रक्रिया थी और उसमें जब मुख्यमंत्री जी से इसको लेकर बात की गई तो उनका बड़ा एक सकारात्मक रवैया उनका था और उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे। और ये देखिए मिर्चपुर की समस्या जो थी, जो पिछले लंबे समय से एक समस्या बनी हुई थी, उनको बसाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए, उनको मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों डंडूर में, हमारे विधानसभा क्षेत्र का गांव है डंडूर, वहां पर उनके लिए प्लाट काटने का काम किया और उनका बसाने के लिए उनको काम किया जा रहा है। तो एक जो प्रचार कहीं ना कहीं कुप्रचार और दुष्प्रचार, क्योंकि आज इनके पास विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा, वो किस मुद्दे पर प्रचार करें क्या कहें, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना आज कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात है, तो उन्होंने एक मामला बना दिया अभी मुख्यमंत्री जी को कहीं कुछ ऐसा नहीं है। पिछले दिनों हिसार में राहगिरी के कार्यक्रम में आपने देखा मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और मैंने आपके एक मत पोस्ट पर देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों का वहाँ पर उत्साहवर्धन किया, चाहे वो कबड्डी खुद खेली हो, चाहे कैरम बोर्ड का मामला हो, तो सब तरीके से जाकर उन्होंने युवाओं का और सब लोगों का उत्साहवर्धन किया और किसी ना किसी रूप में सबको साथ लेकर जो काम चलने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। विपक्ष ये कहता है कि मुख्यमंत्री घोषणाएं तो करते हैं, ये घोषणाओं की सरकार है, घोषणाएं बहुत होती हैं, अमल होता ही नहीं है, अधिकारी आप पे काबू में नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। और आप, अब एग्जांपल आपको देता हूँ हिसार एयरपोर्ट का, ठीक एक साल पहले 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, बोले टैरिफ तक दे दिया, इतने पैसे में आपको दिल्ली लेके जाएगी फ्लाइट, इतने पैसे में चंडीगढ़ लेके जाएगी। एक साल से लोग वेट करते हैं, चक्कर काट के आ जाते हैं वहाँ से, आज तक ना तो जहाज उतरा ना वहाँ से चढ़ा। देखिए मैं आज आपको एक दावा करके एक बात कह सकता हूँ कि हिसार का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सर डोमेस्टिक का पहले, अंतर्राष्ट्रीय की तो आप सपने मत दिखाइए, आप डोमेस्टिक तो दिला दीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हिसार में होगा, मैं वही कह रहा हूँ, सपने दिखाने में सरकार आपकी बड़ी माहिर है। वो डोमेस्टिक जिसका उद्घाटन किया था, फीता काटा गया था, वो जहाज कहाँ पे है? अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई थी जिसमें उसको दिक्कतों को दूर कर आज आप ये देखिए कि दिल्ली का हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हमने पहले भी कहा था कि कुछ नहीं होगा यहाँ पे, जिन लोगों को टेंडर दिया गया उनकी मंशा ही नहीं है चलाने की। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल 5,000 एकड़ में बना हुआ है, हिसार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 7,000 एकड़ में बनेगा और ये पहला होगा जहाँ पर 11,000 की 2 हवाई पट्टियाँ बनेंगी और उनके साथ साथ टैक्सी की 2 हवाई पट्टियाँ बनेंगी, जो हरियाणा में नहीं अभी तो हिंदुस्तान में आज तक कहीं नहीं है। ये तो जब बनेंगी जब बनेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सीएम साहब ने फीता काटा था, वो किस चीज़ का फीता काटा था? वही तो मैं बता रहा हूँ ना जी, देखिए कुछ प्रक्रिया होती है जिनमें समय लगता है और वो समय दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के पटल पर, मानचित्र पर हिसार सबसे बड़ा नाम होगा और ये भी आप आने वाले समय में देखेंगे। और इसी तरीके से ना केवल यहाँ पर हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आने वाले समय पर यहाँ पर हवाई जहाज बनाने का बोइंग के साथ हमारी बात चल रही है और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कारखाना यहाँ पर हवाई अड्डों का भी लगने के जा रहा है, जिसको लेकर आप आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं और आपको खुद को गर्व महसूस होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्थल मानचित्र पर हिसार का नाम सर गर्व के साथ लिया जाएगा। जनता जो है इतने बड़े बड़े सपने आप देखने की आदी हो चुकी है, उन्हें समझ में आ गया कि सपने हैं ये सिर्फ सपने हैं, धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है। मोदी जी ने शुरू में आते ही कहा था कि हम हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, वो भी नहीं चली। उन सपनों पर मोहर लगाने का काम हिंदुस्तान की जागरूक जनता ने अभी कुछ दिन पहले किया है, जहाँ पर हमारे को 300 से ज़्यादा लोकसभा सांसद चुनने का काम हिंदुस्तान की जागरूक जनता ने किया। सपने, कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, अगर आप सपने नहीं देखोगे तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे। बातें आपकी ठीक है, सपने देखेंगे और उनको पूरा करने के लिए आपकी सरकार हम अंथक प्रयास करेंगे। ये हमारे सरकार का चाइना से कहीं ना कहीं
चलिए चाइना याद दिला दूँ, चाइना से जिनपिंग को बुलाते हैं, झूले झूलते हैं, दो दिन बाद पता लगता है कि उनके सैनिक हमारी बाउंड्री में घुस गए, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। आप ये देखिए, और फिर आप कुछ दिन बाद आप ये भी देखते हैं कि वो सैनिक पीछे भी हट गए। देखिए ये आप कहीं ना कहीं आधी अधूरी अगर हम बातों को लेकर चलेंगे, कुछ हद तक वो घुसे हैं और फिर उनको पीछे हटाने का काम भी हमने किया। लोग कई बार क्या होता है, अति मैं बता रहा हूँ ना जी, अति उत्साही पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों के साथ नरम गरम व्यवहार चलता रहता है। ठीक है, उन्होंने घुसने का काम किया, उनको खदेड़ने का काम भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो ये थे सत्येंद्र सिंह, और आदमपुर से चुनाव लड़ने की इनकी पूरी तैयारी है, बशर्ते पार्टी इन पर भरोसा करे। और यही एक ऐसे व्यक्ति हैं, मेरा भी ये मानना है, जो कुलदीप को टक्कर दे सकते हैं, और कुलदीप को भी लगता है ऐसा ही है, उनके खेमे से ये बात निकल के आई थी कि उनका मुकाबला हो सकता है सत्येंद्र सिंह से हो जाए। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।